सहारनपुर के थाना गंगौर क्षेत्र के गांव बूढ़दा खेड़ा में कुछ दिन पहले अलग अलग समुदाय के दो पक्षों के बीच विवाद के चलते संघर्ष हुआ था। संघर्ष के बाद दोनों पक्ष के लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए थे। मामला दो संप्रदायों से जुड़ा होने के कारण पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था। इससे पहले कि पुलिस इस मामले में कोई गिरफ्तारी करती, दोनों पक्षों के जिम्मेदार लोगों ने सुलह का रास्ता अख्तियार किया। विवाद को दरकिनार कर दोनों पक्षों ने राजीनामा थाने में दाखिल किया तो थाना पुलिस ने समझौते की एवज में एक अनूठी शर्त रख दी। विवाद से जुड़े लोगों को पुलिस ने पूरे गाँव की गंदगी साफ करने के निर्देश दिए। पिछले तीन दिन से बूढ़दा खेड़ा गाँव में यह सफाई अभियान जारी है। वही पुलिस का यह कदम लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। देखो, ये सफाई अभियान पिछले तीन चार रोज से चल रहा है, ठीक है, और हमारा ये है कि आपस में भाईचारा हो और दूसरा कोई गंदगी ना हो गाँव में, जैसे मच्छर वगैरह कोई भी बीमारी हो सकती है पैदा, उससे ना हो, सफाई से हमारे यहाँ स्वच्छ रहेंगे और एकता का प्रतीक होगा। देखिए, थाना क्षेत्र गंगोह के सांगा खेड़ा गाँव में दो पक्षों में मारपीट हो गई थी, उसमें मुकदमे दर्ज भी थे और गांव के ही कुछ संभ्रांत लोगों ने, जो हमारी कमेटियां बनी हैं और आसपास के लोगों ने मिलकर दोनों पक्षों में समझौता भी करा दिया है। लोग हमारे पास आए थे और हम लोगों ने अनुरोध भी किया था कि अब ये समझौते हुए हैं, साथ ही साथ गाँव के सभी लोग जो जिम्मेदार लोग हैं वो मिलकर गाँव में सफाई का भी अभियान चलाएंगे, उसके उपरांत जो है वो पूरी समझौते को जो है उसे कानूनी रूप में उसको इम्प्लीमेंट कराएंगे। ये सुनने में आया है और संज्ञान में आया है, हमने थाना इंचार्ज भी हमारे उसमें सहभागी हैं गए थे कि लोगों ने, गांव के सभी लोग मिलजुल कर जो है पूरे गांव की तीन दिन से सफाई कर रहे हैं। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है लोगों का और हम इस चीज़ को आगे कोशिश करेंगे कि गाँव के जो विवाद हैं, गाँव के जो कमेटियाँ हैं उनके माध्यम से समझौते के तौर पर खत्म कर दिए जाएं, साथ ही साथ जो कमेटी है अन्य लोगों को प्रोत्साहित करके सफाई के कार्यक्रम हैं, नशा मुक्ति के कार्यक्रम हैं, पढ़ाई लिखाई के कार्यक्रम हैं, ये हम जिलाधिकारी महोदय के साथ साथ इसको भी हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे।